Dear students, let us continue our discussion on classical mechanics based on the syllabus of IITJM. हम actually discuss कर रहे थे important formula basically. ये crash course है, ये आपका revision के लिए बहुत काम आएगा. Details course structure तो नहीं है क्योंकि आपका exam है February में, तो हम जो formula जो use होंगे numerical के लिए और कुछ कुछ जो कॉन्सेप्ट्स है वो हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ में. तो पहला जो लेक्चर था हमने वहाँ पर डिस्कस किया था वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर IITJM जो है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहाँ पे हमने प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन है डिस्कस किए थे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का डिस्कस किए थे और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी डिस्कस किए थे. दो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट आर मोर इम्पॉर्टेंट. और मैं जब जो डिस्कस कर रहे हैं वीडियोस में वो आपका जैम का जो सिलेबस है स्ट्रिक्टली हम वो फॉलो करते हैं कर रहे हैं. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पहला लेक्चर से मैंने जो बनाया था वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वो सिलेबस में दिया है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, लेकिन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट दिया नहीं था लेकिन डिस्कस कर दिया क्योंकि वो एक ही कैटेगरी में आता है. अब जो सिलेबस में है अगर आप देखें तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ और बेसिक्स ऑफ न्यूटन्स लॉ बोलकर एक पॉइंट लिखा हुआ है सिलेबस में, तो उसी में सारा न्यूटन्स लॉ फ्रिक्शन सर्कुलर मोशन का जो टॉपिक्स है वो आ जाता है. और वो जो टॉपिक्स है वो एक्चुअली क्लास 11th और 12th का टॉपिक्स है, योर 10+2 लेवल सिलेबस, और वहीं से क्वेश्चन आता है. ऐसा नहीं कि वो 10+2 लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपका जैम पेपर में देखने को मिलता है कि वो 10+2 लेवल का क्वेश्चन है. एटलीस्ट 30% क्वेश्चन आपको मिलेगा जो 10+2 लेवल का क्वेश्चन है बेसिकली इन मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. सो वो भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए. और मैं बार बार ये बताया है वीडियो में कि आपको AC वर्मा एक बार प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, तो वो जो 30% क्वेश्चंस है वो आराम से निकल जाएगा. ठीक है, तो देखिए हम न्यूटन्स लॉ डिस्कस कर रहे थे और मैं पिछले वीडियो में बोला था कि नॉर्मल रिएक्शन के बारे में और टेंशनल फोर्स के बारे में. तो कैसे हम वो दो फोर्स को यूज़ करते हैं न्यूटन्स लॉ में, आज हम वो भी देखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स है. सो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ही हम बोलेंगे, अदरवाइज जो है वो तो आपका डिटेल्स कोर्स स्ट्रक्चर में आता ही है, लेकिन वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ज़्यादा टाइम थोड़ा ज़्यादा जाएगा. ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि हम न्यूटन्स लॉ को यूज़ करके क्या स्टेप्स है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. सो पहले हम न्यूटन्स सेकेंड लॉ आपको एक बार बोल देते हैं. सो एक्चुअली न्यूटन्स सेकेंड लॉ ही काम आया गया यहाँ पर. सो न्यूटन सेकेंड लॉ, देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ एक्चुअली क्या है, इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है सिंपली F इज इक्वल टू dP/dt और P जो है वो मोमेंटम, वेयर P इज इक्वल टू mv u0. नाउ इफ यू सब्स्टिट्यूट दिस mv यू विल गेट d/dt ऑफ mv एंड दैट इज इक्वल टू m dv/dt प्लस v dm/dt. ठीक है ना, ये dv/dt जो है वो एक्सेलरेशन है, सो इट विल बी m A + v dm/dt. बट ये जो दूसरा टर्म है ये रॉकेट मोशन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ये वेरिएबल मास सिस्टम के लिए होगा, लेकिन फॉर कांस्टेंट मास सिस्टम इट विल जस्ट F = ma. सो फॉर कांस्टेंट मास सिस्टम और फॉर कांस्टेंट मास क्या होगा, m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, सो dm/dt जीरो होगा. सो दिस टर्म विल नॉट अराइज इन द एक्सप्रेशन एंड वी विल गेट ओनली F इज इक्वल टू ma मास इनटू एक्सेलरेशन. सो दिस इज आवर न्यूटन सेकेंड लॉ एंड वी कैन राइट दिस सेकेंड लॉ इन कॉम्पोनेंट फॉर्म. जैसे कि मान लीजिए कि x एक्सिस बराबर जो फोर्स काम कर रहे हैं सारे फोर्स का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो होगा समेशन Fx एंड दैट विल बी mAx. सिमिलरली समेशन Fy विल बी mAy
एंड समेशन एफ जेड विल बी एम ए जेड। ओके सो दिस इज द कंपोनेंट फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ। सो वी विल यूज इन प्रॉब्लम दिस कंपोनेंट फॉर्म। ओके तो हम कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को, तो देख लेते हैं एक बार प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स जो है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स सो स्टेप क्या वन क्या होगा, यू हैव टू ऑब्जर्व द सिस्टम एंड आइडेंटिफाई द फोर्सेस। सो फर्स्ट होगा ऑब्जर्व द सिस्टम एंड आइडेंटिफाई फोर्सेस। सेकेंड वन इज मेक फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ईच एंड इंडिविजुअल सिस्टम, इंडिविजुअल सिस्टम। एंड द थर्ड वन इज रिजॉल्व द फोर्सेस इंटू एक्स एंड वाई एक्सिस। सो यू हैव टू रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस। एंड देन यूज समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स एंड समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि अगर वो ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस बराबर मूव कर रहे हैं तो वाई एक्सिस बराबर इसका जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा। सिमिलरली अगर आप एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई यूज़ कर रहे हैं तो ये ऑब्वियस है कि इसका जो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है वो जीरो होगा। सो ऐसे करके हम ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट के लिए दो इक्वेशन पाएंगे और ये दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो जो अननोन क्वांटिटीज है वो निकल आएगा। ठीक है, और जब यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स इन्वॉल्व हो जाएगा टेंशनल फोर्स और नॉर्मल डायरेक्शन के बाद, वो भी हमको इस फ्री बॉडी डायग्राम में लेना होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स का जो एक्सप्रेशन है वो दो होते हैं, एक है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन जैसे कि एफ एल, और दैट विल बी म्यू एस इंटू एन, एन इज द नॉर्मल रिएक्शन और म्यू एस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यू नो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये जो एन है नॉर्मल रिएक्शन। ओके सिमिलरली यू विल गेट दैट काइनेटिक फ्रिक्शन ऑल्सो, and for kinetic friction you will have Fk and that is mu k into n. So this is the coefficient of kinetic friction, coefficient of kinetic friction. And kinetic friction ka coefficient of kinetic friction ka jo value hoga wo always mu s ke less hi hoga. So mu k will always be less than mu s. So ye dono term aapko pata hona chahiye. और नेक्स्ट जो है वह एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, ये दोनों भी आपको याद करना पड़ेगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एक है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, मान लीजिए कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट है ग्राउंड में है तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा यही होगा, और इसको जो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लाएगा सब कुछ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, और लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट होगा सपोज दिस आर, और ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल करेंगे ये है लैम्डा, दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड वी कैन कनेक्ट दिस एंगल ऑफ फ्रिक्शन विथ लिमिटिंग कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन
and you should remember that this mu s is always will be tan lambda. Similarly, we will get another relation for angle of repose. Suppose we have a inclined plane something like this, and the angle of inclination is theta, and the object is here in such a way that the force acting on it due to its mass, that is mg sin theta, is such that it will balance the limiting frictional force. So क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ पर भी हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि अगर यहाँ नॉर्मल रिएक्शन है तो इधर से होगा एम जी कॉस थीटा. सो यहाँ पे भी अगर हम म्यू एस का बात कर रहे हैं तो ये होगा टेन थीटा. ओके, और ये जो लैम्डा एंड थीटा के वैल्यू है न्यूमेरिकली तो सेम ही है, लेकिन फिजिकली दो अलग क्वांटिटी है. यह है जो है एंगल ऑफ रिपोज, और यहाँ जो है वो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन. सो ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हूँ. आपका जो 11 12 का ही सिलेबस है ये, फिर भी हम धीरे धीरे सेंट्रल फोर्स और मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे. पहले ये थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, अब काम आ जाएगा, आपका याद हो जाएगा. ठीक है, अगर आपको ये सब पता है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर जाइए, नेक्स्ट क्लास में आप देख लीजिए जब हम सेंट्रल फोर्स और मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम और रिजिड बॉडी की बात करेंगे. ठीक है, तो फिर और एक टॉपिक्स जो मैं बोलना चाहूँगा वो है सर्कुलर मोशन आपका. ठीक है, सर्कुलर मोशन में भी दो एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, जो बेसिक पॉइंट्स है सर्कुलर मोशन का. पहला तो है यहाँ पर जो फोर्स एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर वो है सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, सो सेंट्रीपिटल फोर्स एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, और एक होता है क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ नॉन इनर्शियल सिस्टम में ही होता है, इन नॉन इनर्शियल फ्रेम. तो इसका एक्सप्रेशन तो सेम ही है, इसका है एफ सी, अगर हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का तो ये होगा जस्ट एम वी स्क्वायर बाई आर आइदर रेडियस और इट विल बी एम ओमेगा स्क्वायर आर. और यहाँ पर जो होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम में सेम ही होगा, एफ पी में रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ये भी होगा एम वी स्क्वायर आर और दैट विल बी एम ओमेगा स्क्वायर आर, बट इट विल ऑलवेज अराइज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम. अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो सम एप्लीकेशन है, जैसे कि मान लीजिए कि मूविंग साइकिलिस्ट, ओके, जो रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन होगा, सो वेलोसिटी ऑफ कैन से ऑफ साइकिलिस्ट जो कि कोई टर्निंग में जा रहा है, सपोज मान लीजिए कि एक टर्निंग है. ठीक है, सो इधर इसका सेंटर है. सो यहाँ पर जो होगा एक साइकिलिस्ट सपोज ऐसे करके यहाँ पर एक थोड़ा बेंड हो जाता है, मान लीजिए कि ये नॉर्मल से थीटा एंगल से बेंड हुआ. सो क्या होगा, इसका जो नॉर्मल रिएक्शन इधर से होगा और इसका दो कंपोनेंट होगा, एक है आर साइन थीटा, सॉरी आर कॉस थीटा होगा ऊपर में क्योंकि थीटा उधर है, आर कॉस थीटा, और इधर से होगा आर साइन थीटा. तो देखिए ये आर साइन थीटा जो है ना, अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में लेते हैं तो ये हो जाएगा एम जी, और ये जो आर साइन थीटा है ये एम वी स्क्वायर बाय आर को बैलेंस करेगा. तो ऐसे हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी और वी इज इक्वल टू रूट ऑफ आर आर जी टेन थीटा. सिमिलरली अगर हम कार की बात कर रहे हैं, कोई जो कार एक इंक्लाइंड प्लेन से इंक्लाइंड रोड समथिंग लाइक दिस, ये इस तरह का जो इंक्लाइंड रोड है, सपोज मान लीजिए ये एक बेंड रोड है और यहाँ पे है, तो इसका भी जो वेलोसिटी होगा अगर दिस एंगल इज थीटा, सो ये सेम एक्सप्रेशन होगा टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी और वी विल बी रूट ओवर आर जी टेन थीटा. बट अगर ये जो है ये फ्लैट रोड होते हैं, सपोज मान लीजिए कि ये जो रोड है ये फ्लैट है, ठीक है, और एक कार यहाँ पे आ रहा है भी स्पीड से, तो यहाँ से क्या होगा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड करेगा फ्रिक्शनल फोर्स.
यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होगा, वो एक्सप्रेशन आपको याद रखना पड़ेगा, वो होगा म्यू आर जी। ओके सो यहाँ है रूट आर जी टेन थीटा, यह भी रूट आर जी टेन थीटा, बट यह थीटा जो है वो इंक्लिनेशन एंगल है और यहाँ जो थीटा है वो भी एक इंक्लिनेशन एंगल ही है, लेकिन साइक्लिस्ट जो एंगल किया है परपेंडिकुलर के और नॉर्मल के साथ। अगर ये दोनों एक साथ है, रूट बैंक्ड भी है और फ्रिक्शन भी है, तो उसका जो एक्सप्रेशन होगा वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, वो होगा आर जी इंटू टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई वन माइनस म्यू टेन थीटा। ये है एक्सप्रेशन, ठीक है, टेन थीटा प्लस म्यू और होगा वन माइनस म्यू टेन थीटा। सो अगर म्यू जीरो है तो ये आर जी टेन थीटा एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला, ओके, दिस फार्मूला, दिस फार्मूला, दिस फार्मूला एंड दिस फार्मूला फ्रॉम सर्कुलर मोशन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द वर्क पर एनर्जी, दैट इज कॉन्जर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्स। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉन्जर्वेटिव एंड नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस। ओके सो ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कॉन्जर्वेटिव फोर्स और नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्स। तो देखिए कॉन्जर्वेटिव फोर्स में कुछ पॉइंट हम लिखते हैं, जैसे कि कॉन्जर्वेटिव फोर्स के अंडर जो वर्क डन होते हैं वो पाथ इंडिपेंडेंट है, मतलब यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो होगा पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट। दूसरा पॉइंट जो है, जो वर्क डन है अगर वो साइक्लिक पाथ में है, जैसे कि डब्ल्यू इजकल टू मान लीजिए कि क्लोज इंटीग्रल एफ डॉट डी एल, तो ये जीरो हो जाएगा। और ऐसे फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, और कंजर्वेटिव फोर्स में एक पोटेंशियल एग्जिस्ट करते हैं जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है वो होगा नेगेटिव वो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, दैट इज माइनस डेल यू। और इसका जो फोर्स है उसको पोटेंशियल की ग्रेडियंट से लिखा जा सकता है, दैट इज एफ इजिकल टू माइनस ग्रेड यू। अगर हम इसको कार्ल लेते हैं तो कार्ल ऑफ ग्रेड फाई ऑलवेज जीरो होता है, सो कार्ल ऑफ एफ होगा जीरो। सो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसका कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स ही है। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और होगा क्या, स्प्रिंग फोर्स भी है, ठीक है। ऐसे करके हम कुछ पॉइंट्स याद रखना पड़ेगा कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए उल्टा होगा, जैसे कि डब्ल्यू जो होगा वो पाथ डिपेंडेंट होगा, पाथ डिपेंडेंट होगा। जो वर्क डन है क्लोज इंटीग्रल एफ डॉट डी एल वो जीरो नहीं होगा, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और यहाँ पर W जो नॉन कंजर्वेटिव होता है वो क्या है, एनर्जी, टोटल एनर्जी डिफरेंस होता है E2 माइनस E1, दैट इज डेल्टा E, और E इज इक्वल टू के प्लस यू, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, ठीक है, टोटल एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर डिफाइंड नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड इन दिस फोर्स फील्ड। सो इसका जो कार्ल होगा एफ वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। जैसे कि इसके एग्जांपल अगर हम ले लें तो विस्कस फोर्स, एनी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल डिसिपेटिव फोर्स जो है, जैसे कि विस्कस फोर्स मान लीजिए या रेजिस्टेंस फ्रिक्शन, जहाँ पर एनर्जी डिसिपेशन होता है या रेजिस्टेंस फ्रिक्शन, वो जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होते, मतलब वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत काम का है, एक इम्पॉर्टेंट थियोरम है इस चैप्टर में, जिसको बोला जाता है वर्क एनर्जी थियोरम। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एंड एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग दिस फार्मूला और बाय थियोरम। और ये थियोरम की स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है कि जो नेट वर्क डन है किसी सिस्टम का, वो फॉर जो नेट वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा ऑलवेज।
और ये जो नेट वर्क डन होगा ये किसी तरह का वर्क डन हो सकता है, जैसे कि कोई एक्सटर्नल फोर्स है, जैसे कि कोई इंटरनल फोर्स है, जैसे कि कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, सारे फोर्स का जो नेट होगा वो ऑब्जेक्ट का जो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस है उसी के साथ इक्वल होगा। मतलब ये दिस विल इक्वल टू के टू माइनस के वन, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी डिफरेंस, और यू कैन से डेल्टा के। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और थ्योरम, यू कैन से। ओके, तो आज हम यहीं रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम रॉकेट मोशन का और सेंटर ऑफ मास का और सेंट्रल फोर्स का फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं आपको बोल देती हूँ, देता हूँ यहाँ पर, और आप नोट कर लीजिए, ये शॉर्ट नोट आप बना लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम ये बहुत काम आएगा। ठीक है, अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप खुद से एक काम कीजिए कि जब हम ये नोट्स आपको बनाया दूंगा, आप ये नोट्स के एक बार पढ़कर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वो सॉल्व कर लेना, तो आपको प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है, सो फॉर टुडे इट इज़ एनफ, एंड इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू।